एवरीवन, तो कैसे हैं हम सब। मैं हूँ मनु और इनको तो आप जानते हैं क्योंकि लास्ट 3-4 व्लॉग में मेरी प्यारी बहन तो सब में आ रही है ना दीदी। हाँ, तो आज जो है हमारा व्लॉग वो क्या होगा, मंशा का मेकअप खत्म। तो जैसा कि मेरा फेस अब एकदम क्लीन है, मैंने कुछ नहीं लगा रखा, ना मॉइस्चराइजर लगा रखा है ना कुछ। बस फिर क्या था, दीदी शुरू हो गई अपना लगाने के ऊपर। मेरे को तो पता भी नहीं वो क्या क्या लगा रही थी, अब वो ही बताएगी कि उसने क्या क्या और कैसे कैसे लगाया। सबसे पहले मैंने मंशा के फेस पे लगाया सनस्क्रीन क्रीम। उसके बाद सनस्क्रीन क्रीम आगे उसके बाद मैंने लगाया प्राइमर। प्राइमर लगा अच्छे से पहले उसको लगा दिया, उसके बाद मैंने फाउंडेशन लगाया। ये लैक्मे का फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा है, पूरा चेहरे पे अच्छे से स्प्रेड करा। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से लगा के, देख सकते हैं आप किस तरह लगा रही हूँ। पता है यार, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि भाई चैलेंज ही ऐसा था कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, ये जो करेगी बस चुपचाप करवा लो। मुझे तो बस ये था कि मैं एंड में कम से कम देखने लायक लगूँ यार, कि कहीं आप लोग देख के डर ना जाओ। हाँ, तो लैक्मे लगाने के बाद फिर मैंने ये लगाया, इसको क्या बोलते हैं, इसको जो भी लगाया था मैंने क्या लगाया था क्या लगाया था पता है ऐसी, अरे कंसीलर बोलना चाहती है, पता यार ऐसी होता है हम लोग ना, बस क्या होता है, बस व्लॉग बनाने बैठ जाते हैं, आता है नहीं तो यार स्टार्टिंग है, कोशिश तो कर ही रहे हैं। बस दीदी अब ब्लेंड करे जा रही है, देखो मेरा चेहरा इसने चमका दिया है, बिल्कुल चांद सा मुखड़ा बना दिया इसने मेरे चेहरे को। हाँ देख, चांद सा मुखड़ा बना दिया है, तो पहले से इतने सुंदर है और सुंदर बन गई है मेरी बहन। लगाए जा रही हूँ मैं तो बस कुछ ना कुछ इसको जो भी हाथ में है बस पोत दोगी इसी तरह। अब इसने मेरी आई शेडो लगाया, अब बताएगी इसने कौन सा लगाया, क्या करा। आई शेडो लगाया था मैंने पिंक शेड का, और ये मैंने पहला वाला आई शेडो लगाया, इसके बाद सेकंड वाला भी लगाया है। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, पहला वाला आई शेडो अच्छा लगा या सेकंड वाला आई शेडो, कोई सा भी नहीं ये मैं इसको बस लगा रही थी, कुछ ना कुछ तो लगाना ही था, सुंदर लग रही है वैसे। वैसे पता है इस चैलेंज का आइडिया ना दीदी का था, सिर्फ मेकअप ही नहीं, अभी तो आगे मैं ड्रेसिंग भी इसके अकॉर्डिंग ही करूंगी, तो वो देखना कि मैंने क्या पहना है और मैंने क्या चूज करा है यार। मतलब मेरा मन तो नहीं है कि अपने आपको दिखाऊं एंड में, बट फिर भी देख लेना, एंड तक वीडियो जरूर देखना। बिल्कुल, और अब देखो मैं इसको आईलाइनर लगा रही हूँ, पर आईलाइनर लगाते वक्त मुझे इतनी मुश्किल आई ना, क्योंकि ये हिले जा रही थी। मैं इसको कह रही थी बहन सीधी होके बैठ जा, बट नहीं, इसको तो अपना मुंह हिलाते रहना था, कभी दाएं कभी बाएं कभी राइट कभी लेफ्ट। इतना सब कुछ करने के बाद मुझे खाली एक आज़ादी मिली कि मैं लिपस्टिक अपने आप लगा सकती हूँ, और जब मैंने अपनी आंखें खोली मैंने खुद को देखा, मैं सच में अपने आप को पहचान ही नहीं पाई, कहा ये मैं हूँ सच में, इतनी सुंदर मेरी बहन ने बना दिया यार। तुझे तो ब्यूटीशियन होना चाहिए पता है, तुझे जाके शादी में दुल्हन को तैयार करना चाहिए ताकि दूल्हा से देख के भाग जाए। थैंक यू। नहीं मैं ना बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ, आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने मेकअप कैसा किया है। आई शेडो लगाने के बाद जब मैंने आईलाइनर लगाया था इसने उसे फैला दिया था, तो उस वजह से मुझे इसे दोबारा लगाना पड़ा। अब मैं ये दोबारा लगा रही हूँ इसको आई शेडो स्किन कलर का। आप ये वाला बताइए कैसा लग रहा है, देखो कैसा लगा रही हूँ। चेहरे पे तो मेरी मुस्कान हमेशा ही रहती है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैंने क्यों ही ये करा है, क्यों ही ये व्लॉग बनाया, अब इतनी मुश्किल से बना रही हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मेरी बहन ने मुझे लगाया आईलाइनर, पूरा मोर पंख वाला डिजाइन था ना जो ऊपर तक जाता है, पूरा उसमें लगाया था इसने, है ना। नहीं वो मैंने पहले वाला लगाया था जो तुमने फैला दिया था, ये दूसरा वाला लगाया, ये मैंने अच्छा लगाया, वो मेरा थोड़ा मोटा आईलाइनर लग गया था, बट ये मैंने पतला वाला आईलाइनर लगाया। लास्ट में मैंने हाइलाइटर लगाना शुरू कर दिया था, हल्का। मतलब मेकअप का ना कुछ भी सामान बचना नहीं चाहिए, जितना भी है सब लगना चाहिए एक ही थोपड़े पे, जो कि मेरा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बस इसको मैंने ब्लशर लगा के सुंदर परी बना दिया था। वो तो शुक्र है कि मेरे पास मेकअप का सामान सिर्फ इतना ही है, अगर कुछ और होता ना तो वो भी आज वही करती, आज वो भी मैं पहनती। तो अब आएगी फाइनली ड्रेसिंग की बारी, तो सबसे पहले ड्रेसेस आई चूज करने के लिए इंडियन वियर और वेस्टर्न वियर, बट इन्होंने वेस्टर्न वियर चूज किया है। यार मैं इयरिंग में मार खा गई, पता है मैंने इयरिंग्स कोई और से चूज कर लिया। ये था ओपन हेयर और हाई पोनी, ओपन हेयर चूज। फाइनली मैं तैयार हो गई और आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। वाह
भाई देखो मुझे मेरी बहन ने सजाया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, बट हाँ अच्छा करा है मेकअप। बाकी आप अपनी व्यूज बताना, इतनी मेहनत करी है यार, एक सब्सक्राइब तो बनता है। बाय बाय।